सो हाउ मच फुल सिलेबस एंड पार्ट सिलेबस मॉक टेस्ट हमें लास्ट टाइम में देने चाहिए। सो गाइस बेसिकली हम लोग अब एकेडमिक सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। सो आर यू एक्साइटेड? नॉट सो मच अबाउट एकेडमिक्स। सो दिस इज गोना बी रैपिड फायर। ओके सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो देन फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट आप कोचिंग के लिए कर रहे थे कि आप डमी स्कूल में थे? नहीं मैं डमी स्कूल में नहीं था, रेगुलर स्कूल था, रेगुलर कोचिंग। स्टडी में आप कितना ब्रेक लेते थे और ब्रेक में क्या करते थे? अप्रॉक्सीमेटली हर 1.5-2 hours के बाद ब्रेक लेता था, अप्रॉक्सीमेटली 15-20 minutes। ओके ब्रेक में यार कुछ भी कर लिया, जैसे मैंने बताया कि सिटकॉम्स पसंद थे वो देख लिया या बाहर ऐसे चक्कर मार के आ गए। ओके तो टाइम मैनेजमेंट इन 3 hour एग्जाम मतलब कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देते थे? कैसे मैनेज हुआ? एक्चुअली आई यूज्ड टू स्टार्ट विद बायो। ओके बायो देन केमिस्ट्री फिजिक्स। ओके सो फॉर बायो आई डिवोटेड अबाउट 45 मिनट्स व्हाट वाज माय टारगेट। ओके 45 मिनट्स आई हैड टू सॉल्व एंड मार्क द बबल्स। केमिस्ट्री के लिए अगेन 45 मिनट्स सो दैट या 1.5 hours लेफ्ट फॉर फिजिक्स। सो दिस वाज द टारगेट दैट आई यूज्ड टू सेट बिफोर एवरी एग्जाम एंड मोस्टली आई यूज्ड टू अचीव दैट। ओके स्कूल और कोचिंग कैसे मैनेज होता था? एक्चुअली मेरा कोचिंग जो था वो वीकेंड कोचिंग था, तो स्कूल मेरा होता था वीकडेज पे, मंडे से फ्राइडे सुबह होता था 7 to 3। ओके 7 to 3 उसके बाद 3 o'clock मतलब वीकेंड कोचिंग था। 3 o'clock आने के बाद मैं पढ़ लेता था, कोचिंग वीकेंड पे था तो क्लास नहीं होता। सो हाउ टू बी रिमेन मोर फोकस्ड और डिसिप्लिन इन न्यूट्रिशन? मोर फोकस यार मैं बोलूँगा कि एक हर दिन सुबह उठ के मैं काम करता था कि इतना मैंने डिसाइड कर लिया आज ही ख़त्म करूँगा, उतना मैं कर लूँगा, अगर जल्दी ख़त्म हो गया तो और कुछ काम कर लूँगा, और अगर थोड़ा टाइम देना पड़ रहा है तो मतलब व्हाट गिव्स यू द मोटिवेशन टू मूव ऑन? यार मोटिवेशन इज ऑफकोर्स अ टारगेट दैट यू हैव इन माइंड कि अगर एम बी बी एस करनी है, अगर इंटरेस्ट है तो उसको घर जाना है, रैंक लानी है। रैंक का नहीं था यार टारगेट मुझे कॉलेज का था। फिजिक्स एनसीईआरटी की रीडिंग ज़रूरी है? लेकिन बाद में रियलाइज होता है कि कम से कम हर चैप्टर 1 to 2 times तो पढ़ लो और पढ़ने के बाद नोट्स बना लो अलग से, क्योंकि फिजिक्स की एनसीईआरटी बार बार पढ़ना मुश्किल है। तो एक बार रीड कर लिया, नोट्स बना के अपने पास रख लो और ताकि फिर से पढ़ने की कोशिश। आपके दिन का पूरा शेड्यूल क्या होता था मतलब जस्ट ओवरव्यू? तो मैं स्कूल डेज का बता देता हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ दी स्कूल स्टार्ट हो गए होंगे। तो आई यूज टू वेक अप एट 5:30, माय स्कूल बस यूज टू कम एट अराउंड 6। ओके देन इट वाज स्कूल कम्प्लीटली, आई यूज टू कम बैक एट अराउंड 3:34। ओके तो 5 o'clock आई यूज टू स्टार्ट स्टडिंग, सो विद ऑल द ब्रेक्स इंक्लूडेड आई यूज टू स्टडी टिल अबाउट 8, देन सिटकॉम एंड एनीथिंग दैट आई यूज टू लाइक टिल 9। So, मतलब एक दिन में कितनी सेल्फ स्टडी हुई देन? Approximately 4 to 5 hours. Okay, approximately 4 to 5 hours. Okay, that much is enough for it. So, तन में तो 4 to 5 hours सेल्फ स्टडी करता है, तो क्या आप 4 to 5 hours सेल्फ स्टडी करते हैं? ऐसा नहीं एस्पिरेंट, आपकी सेल्फ स्टडी में ये जरूरी है कि आप एनसीईआरटी रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा लगाएं और एनसीईआरटी ज्यादा पढ़ें। So, I come across a very useful app called Memoneet app. This app includes questions from each line of NCERT along with detailed explanation and references. You can access video lectures on all important physics topics. It has NCERT based full syllabus and subject wise test series, and you can also access biology in Hindi as well. It also provides physics and chemistry formula sheets for last minute revision and questions in different format so that you can revise your topics well. So download the Memoneet app from description and pin comment link. एक काफी मेजर क्वेश्चन प्रेजेंट टाइम में अराइज हुआ है, वो है कि ऑनलाइन है और बस इज ऑफलाइन बेसिकली, तो व्हाट्स योर आईडिया रिगार्डिंग दिस? अकॉर्डिंग टू मी ऑफलाइन इज बेटर। ऑफलाइन इज बेटर। ओके सो इज आकाश मॉड्यूल इनफ फॉर नीट? आकाश मॉड्यूल व्हेन यू आर सेइंग दिस आई अज्यूम दिस इज कपल्ड विद एनसीईआरटी। ओके सो एनसीईआरटी प्लस आकाश मॉड्यूल एंड सम बुक्स फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस, दैट्स इट। तेरे बेसिकली मॉक टेस्ट में कैसा स्कोर रहा?
12th में वापस लिफ्ट करने की कोशिश करी और एंड में आते आते यार बिल्कुल एंड के जब मैं 10-15 बॉक्सेस दे रहा था तो 700 टच कर रहा था लास्ट। अच्छा मतलब लास्ट में 700 टच कर रहा था। समझाना पड़ता है इस बार कम आया है अगली बार इन्हीं चीजों पे वर्कआउट करके ज्यादा नंबर लाने हैं। सो देन मैं व्हाई डू टॉपर्स लाई अबाउट देयर स्टडीज। अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय लाइंग? आई बेसिकली आई डोंट लाइंग इन द सेंस वो कुछ ना कुछ चीजें हाइड करते हैं, पूरी चीजें कभी नहीं बताते। जैसे कि तू क्या हाइड करता है? तो यार घूम फिर के मेरे पे कहानी क्यों यार? मुझे लेकिन समझ नहीं आया क्यों हाइड करें ये। मतलब इन द सेंस नॉट जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर, जैसे अगर वो लिटरली चीजें बता दे कि एग्जैक्टली कैसे जैसे स्टडी करते थे तो मे बी सामने वाला डिप्रेस हो सकता है। दैट्स व्हाई। अच्छा डिप्रेस ना होने के लिए। हाँ मतलब इन ऑर्डर जस्ट हेल्प, मतलब बेनिफिट के लिए भी झूठ बोल सकते हैं। नहीं यार जितना मैंने बोला है मुझे बाकी का नहीं पता, लेकिन जितना मैंने बोला है कि मैं अगर 4-5 घंटे पढ़ता उतना ही पढ़ता था, किसी को ना डिप्रेस करने के लिए नहीं बोला मैंने। मतलब बुक्स भी उतनी रेफर करता था। तो मैं ऐसा ऐसा झूठ ही बोलते हो? मैं तो नहीं बोलता, तू अपना बता। इसलिए कोई ड्रॉपर है ड्रॉपर की जो मेन प्रॉब्लम होती है टाइम, मतलब 1 ईयर होता है। सो ड्रॉपर्स के लिए कुछ मैनेजमेंट ट्रिक, 1 ईयर में 2 ईयर्स के कैसे सिलेबस बेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली दे आर ओवर ड्रॉप ना। मुझे लगता है कोई टिप्स कि अगर आपको 2 ईयर्स का 1 ईयर में करना है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि स्पेसिफिकली उसी चीज़ पे फोकस करो जो आने वाला नीट में, मतलब एनसीईआरटी ओरिएंटेड पढ़ो, क्योंकि कई बार हमको कन्फ्यूजन हो जाती है कि नीट में एनसीईआरटी से इस बार आएगा नहीं आएगा। लेकिन अब पिछले 5 साल से अगर आ रहा है तो आप अज्यूम कर सकते हो कि अगले साल भी आएगा। सो यू कैन टेक दोस चांसेस एंड गो विद एनसीईआरटी ओनली इन द लास्ट। ओके सो हाउ मच फुल सिलेबस एंड पार्ट सिलेबस मॉक टेस्ट में लास्ट टाइम में देनी चाहिए? पर्सनली बोलूँगी मैं लास्ट में पर डे 1 टेस्ट देता था, आई थिंक उतना ही काफी होता है पर डे 1 टेस्ट। तो अगर उतना भी ना हो पाए तो हफ्ते में 3-4 टेस्ट तो देने चाहिए, काफी अच्छी रिवीजन हो जाती है मॉक टेस्ट से। और ओवर भी नहीं देने चाहिए, कुछ लोग होते हैं 2-3 मॉक टेस्ट देते हैं हर दिन, तो मेरे ख्याल से ओवर, हाँ मेरे कुछ फ्रेंड्स थे तो वो थोड़ा ओवर हो जाता है क्योंकि आपको रिवीजन का टाइम बिल्कुल नहीं मिलता ना, पेपर एनालाइज करने का।